हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने आपके साथ गलत किया है जो आपको गलत लगा हो? व्हाट डिड यू डू देन? तो आप क्या करते हो? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? क्या आप शांत रह जाते हो या फिर उसे बताते हो कि आपको कैसा लगा? नाउ रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वॉज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए अब हम पढ़ते हैं दो दोस्तों की एक कहानी जिसमें कि वो डिसाइड करते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रेंडशिप या एनिमिटी, दुश्मनी या फिर अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप टू द स्टोरी चैप्टर 7 ऑफ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लासिक्स फेयर प्ले पार्ट 1। पहला पार्ट है जुम्मन शेख और अलकू चौधरी नाम के दो अच्छे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी है कि जब भी हर कोई व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। जब भी उनमें से एक शहर से बाहर जाता, गाँव से बाहर जाता, तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता। दोनों ही काफ़ी रिस्पेक्टेड थे विलेज में, दोनों को काफ़ी सम्मान मिलता था। जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ रुपए पैसे थे, कुछ प्रॉपर्टी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। ये प्रॉपर्टी उन्होंने उसे ट्रांसफ़र की थी इस समझौते के साथ, इस समझ के साथ कि वो उनके साथ रहेंगी और बदले में वो उनकी देखभाल करेगा। हालांकि ये जो अरेंजमेंट था वो कुछ एक साल तो ठीक ठाक चला, फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। फिर सिचुएशन चेंज्ड। जुम्मन और उसकी फैमिली अब अपने ओल्ड रिलेटिव से थक चुके थे। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। अभी जुम्मन उससे वैसा ही व्यवहार करने लगा जैसे कि उसकी वाइफ, हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत जो खाना भी वो खाया करते उसके लिए भी वो लोग उसे झिड़क दिया करते, डांट दिया करते। शी स्वैलोड दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। पहले तो कुछ एक महीने तक उन्होंने इस इंसल्ट को भी निगल लिया, बर्दाश्त कर लिया। बट पेशेंस का भी एक लिमिट होता है, पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। एक दिन वो जुम्मन को बोलती हैं, मेरे बेटे अब ये तो क्लियर है कि मैं तुम्हारे घर में, मुझे इस घर में तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तो एक काम करो, मुझे कुछ मंथली अलाउंस, मंथली खर्चे दे दो जिससे कि मैं एक अलग किचन का व्यवस्था कर सकूं। माई वाइफ जानती है घर को कैसे चलाया जाता है, सो आप धैर्य रखिए, सेड जुम्मन शेमलेसली। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इससे उसकी आंट काफ़ी गुस्सा हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मामले को गांव की पंचायत ले जाएगी जहां पर इस मामले की सुनवाई होगी। कई दिन तक ओल्ड लेडी गांव वालों से बात करके अपना दुखड़ा उन्हें सुना रही थी ताकि उनसे मदद मिल सके। कुछ सिंपैथिसाइज्ड विथ हर, कुछ ने उसके प्रति सहानुभूति भी दी, कुछ उसके ऊपर हंस पड़े और कुछ ने तो कहा कि वो अपने भगने और वाइफ के साथ मिलकर रहे। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई। अलगू चौधरी कहता है, आप तो जानती हो चाची कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? अलकू कहता है, लेकिन मेरे बेटे ये भी तो ज़रूरी है टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। फिर आंटी कहती हैं, आंट कहती हैं कि मेरे बेटे ये भी तो गलत है कि शांत रहें और जो कुछ भी हो रहा है उसे होते रहने दें। व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ शी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर ईयर्स। वो कहती हैं कि तुम पंचायत में आकर सब कुछ बोलना। अलगू ने कुछ जवाब तो नहीं दिया लेकिन उस बूढ़ी औरत के सारे वर्ड्स उसके कानों में जैसे गूंज रहे थे। पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। पंचायत बैठती है, ओल्ड
बनियान ट्री के नीचे। शाम के वक्त जुम्मन खड़ा होता है और कहता है कि जो पंच का वॉइस है वही भगवान का वॉइस है, मतलब पंच की बात सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। अब मेरी आंट किसी को भी हेड पंच नियुक्त करे और मैं उसके निर्णय को मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अभी जो बूढ़ी महिला थी वो अनाउंस करती हैं कि पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, तो अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अभी जुम्मन तो अपनी खुशी को छिपाता हुआ, क्योंकि उसे तो जैसे जो चाहिए था वही मिल गया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अभी अलगू कहता है कि चाची, आप तो जानती हो कि जुम्मन से मेरी कितनी अच्छी दोस्ती है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसेंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। वो कहती है कि तुम अपने भीतर की अंतरात्मा को दोस्ती के नाम पे तो नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में भगवान का वास होता है और उसकी जो बात होती है वो भगवान की बात होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और जो बूढ़ी महिला थी वो अपना सारा दुखड़ा सुनाती है। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू नाउ, आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तो जुम्मन कहता है कि, अलगू कहता है, जुम्मन देखो, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं और तुम्हारी आंट भी जितनी तुम्हें पसंद है उतनी ही मुझे भी पसंद है। अभी जब मैं पंच हूँ तो तुम और तुम्हारी आंट दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। अब बताओ कि तुम्हें अपने डिफेंस, तुम्हें अपनी तरफ से क्या कहना है। तो जुम्मन कहना शुरू करता है कि 3 साल पहले मेरी आंट ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी मुझे। मैंने भी प्रॉमिस किया था कि जब तक वो रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मुझसे जितना बन पड़ा उतना मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। कुछ एक झगड़े भी हुए मेरी वाइफ और इनमें, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। लेकिन अब तो बात यह है कि मैं उन्हें मंथली अलाउंस नहीं दे सकता, इतना ही मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड अदर्स। अभी जुम्मन से बाकी सब ने भी क्रॉस क्वेश्चंस किए। अलगू अनाउंस करता है कि हम लोगों ने इस मैटर को बड़े ध्यान से सुना है, देखा है। हमारी ओपिनियन में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो पंचायत का निर्णय ये है कि जुम्मन आंट की देखभाल करे या फिर उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर दे। अब जो दोनों फ्रेंड थे वो कभी कभी ही मिलते, जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप थी वो तो टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब तो जुम्मन अलगू का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो चुका था और बदला चाहता था, वॉन्टेड हिज रिवेंज। नाउ पार्ट 3 ऑफ द स्टोरी। दिन बीतते गए और अलगू के साथ कुछ बुरी घटनाएं हुई। अलगू चौधरी ने खुद को बड़े ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया, इन अ टाइट स्पॉट मीन्स इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उसके वन ऑफ हिज फाइन पेयर्स ऑफ बुलॉक डाइड, उसके एक फाइन पेयर, अच्छी जोड़ी जो बैलों की थी वो मारी गई, और दूसरा जो था वो समझू साहू को उसने बेचा, जो एक कार्ट ड्राइवर था विलेज का। बात ये तय हुई कि साहू उस बुलॉक के बदले 1 महीने का समय देगा। इट सो हैपन दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। अभी बात तो ये हुई थी कि जो समझू साहू है वो उसे बैल के पैसे 1 महीने के भीतर देगा, लेकिन बैल उस 1 महीने के भीतर ही मारा गया। सेवल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडन्ट येट पेड। अभी कई महीने बीत जाने के बाद, सेवरल मीन्स कई महीने बीत जाने के बाद, जब अलगू ने उस बैल का पैसा मांगा तो उसने मना कर दिया।
साहू गॉट वेरी अनॉयड। आई कैंट पे यू अ पेनी फॉर द रैकेट बीस्ट यू सोल्ड मी। वो कहता है कि मैं तो तुमने जो मुझे बीस्ट जो जानवर बेचा उसके बदले मैं तुम्हें एक सिक्का भी ना दूँ। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन। उसने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं बल्कि हम तो बर्बाद हो गए। आई हैव अ बुलक। मेरे पास एक बुलक है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। वो गुस्से में कहता है कि मारे गए बुलक के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम इतना करो कि मेरा बैल ले जाओ और उससे एक महीने काम लेकर के मुझे वापस कर दो। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने डिसाइड किया कि वो इस केस को पंचायत ले जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और अभी कुछ ही महीने के अंतराल में दोबारा से बैठक तय हुई पंचायत की और दोनों ही पार्टीज समझू साहू और अलगू चौधरी गांव के लोगों को समझाने में लग गए कि कौन सही है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अभी उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू खड़ा हुआ और कहता है कि जो द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। वो कहता है कि साहू जिसे चाहे उसे नॉमिनेट कर ले, मैं उनके डिसीजन का पालन करूंगा, आज्ञा मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने अच्छा मौका समझा इस दुश्मनी को बढ़ाने का और उसने नाम बढ़ाया, प्रपोज किया नाम जुम्मन शेख का। अलगू का हार्ट टूट गया और ही टर्न पेल। वो तो बिल्कुल मुरझा सा गया था बिकॉज व्हाट कुड ही डू, क्योंकि उसका दोस्त जिसके खिलाफ उसने पहले ही एक डिसीजन दिया था वो तो इस बार उसके साथ गलत डिसीजन देगा ही। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। लेकिन जिस समय जुम्मन हेड पंच इलेक्ट हुआ उसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दायित्व का समझ आया और डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस अपने पद की गरिमा भी समझ में आई। कुड ही सीटेड इन दैट प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब भला वो उस ऊंचे प्लेस पर बैठकर अपने बदले की बात कैसे सोचे। ही थॉट एंड थॉट। उसने कई बार सोचा। नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने पाया कि उसे अपना बदला निकालने के लिए किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, सच और न्याय के रास्ते में उसके पर्सनल फीलिंग्स नहीं आने चाहिए। अब अलगू और साहू दोनों ही सबके सामने थे, दोनों से क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो जुम्मन खड़ा होकर अनाउंस करता है, हमारा ओपिनियन ये है कि साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू समझू साहू को अलगू के बैल के बदले तो पैसे देने पड़ेंगे। व्हेन साहू बॉट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। जब समझू साहू ने बुलक खरीदा तब तो वो किसी बीमारी से या किसी कमजोरी से ग्रसित नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। बैल की जो मृत्यु थी वो तो अनफॉर्चुनेट थी, असंयोगवश थी, लेकिन अलगू को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अलगू अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। वो बार बार जोर जोर से कह रहा था, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। वो कहता है कि पंचायत की जीत हुई, यही न्याय है और गॉड पंच के आवाज़ में बसते हैं। इसके बाद जुम्मन अलगू के पास आता है, उसे गले लगाता है, एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाना, और कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत के बाद तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे ये महसूस हुआ, आई रियलाइज्ड कि एक पंच का मतलब क्या होता है। पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी। एक पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना तो कोई दुश्मन होता है, वो तो सिर्फ न्याय जानता है, वो सिर्फ जस्टिस जानता है। कोई भी उसे डिगा नहीं सकता अपने रास्ते से, कोई भी उसे न्याय के रास्ते से
अलग चलने को बाध्य नहीं कर सकता। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अभी अलगू भी अपने दोस्त को गले लगाकर रो पड़ता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ हिज मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उसके आंसू ने हर मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मतभिन्नता थी, जो दोनों के जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, उसे खत्म कर दिया। दिस इज अ ग्रेट स्टोरी रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदी राइटर्स ऑफ इंडिया, दैट इज प्रेमचंद। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में वी शैल मीट विद अनदर चैप्टर ऑफ इंग्लिश क्लास सिक्स NCERT। टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।